सो गाइस ये तो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि आईपीएल 2021 से पहले होने वाला है मिनी ऑक्शन। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में बात होने वाली है, आपने ही पूछा था हमारे कमेंट सेक्शन में कि भाई आप बताइए कि आखिर फॉर्मेट कैसा रहने वाला है। इसी वजह से इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं डिराइव करके बताने वाला हूँ कि आखिर ये जो मिनी ऑक्शन रहने वाला है वो कब होने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, कितने दिनों तक होने वाला है, कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितना पर्स वैल्यू रहने वाला है, और साथ में बताने वाला हूँ कहाँ टेलीकास्ट होने वाला है, कहाँ पे ये होने वाला है, कौन सी जगह पे होने वाला है। तो गाइस काफी ज्यादा डिटेल वीडियो है, एक तरीके से समझिए कि ये आईपीएल मिनी ऑक्शन स्पेशल वीडियो है। मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या होने वाला है, और इसीलिए आप कुर्सी के पेटी थाम के बैठ जाइए क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मालूम चल जाएगा कि आखिर मिनी ऑक्शन में क्या क्या होने वाला है। सो गाइस उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दिनों की। हाँ गाइस अगर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर कितने दिनों तक ये मिनी ऑक्शन चलने वाला है। सो गाइस ये मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन होता है तो 2 से लेकर 3 दिन चलने वाला होता है, लेकिन मिनी ऑक्शन होता है छोटी सी नीलामी होती है, 1 दिन में ये सिमट जाएगा। और गाइस इसी वजह से ये जो मिनी ऑक्शन होने वाला है वो सिर्फ 1 दिन का रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डेट भी बताने वाला हूँ कि आखिर एक्सपेक्टेड डेट क्या है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कितने दिन का होने वाला है तो ये सिर्फ 1 दिनों का होता हुआ नजर आने वाला है। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और गाइस ये क्वेश्चन सभी फैंस के मन में अब ये निकल के आएगा कि आखिर कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाँ अगर मैं बात करूँ, जब नीलामी होती है तो सभी टीमें खिलाड़ियों को छांटती हैं, खोजती हैं कि आखिर कौन से खिलाड़ियों के पीछे हमें बोली लगानी है, कितने पैसे उन खिलाड़ियों के पीछे लगाना है। तो गाइस अगर मैं बात करूं टोटल मिला के कितने खिलाड़ी रहने वाले हैं, तो गाइस यहां पे जो अभी तक बीसीसीआई की तरफ से एक्सपेक्टेशन सामने आ रही है, जो कि प्लेयर्स सामने निकल के आ रहे हैं, वो 300 से लेके 350 के बीच में खिलाड़ी शिरकत करने वाले हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो सभी खिलाड़ियों की जब लिस्ट तैयार होगी, जब एक बार जब पहली लिस्ट आएगी तो उसमें 1000 खिलाड़ियों के ऊपर रहेंगे खिलाड़ी, लेकिन बीसीसीआई उनमें जो वेस्ट खिलाड़ी रहते हैं जिनके पीछे ये 100% कंफर्म रहता है कि उस खिलाड़ी के पीछे बोली नहीं ही लगने वाली है, उन खिलाड़ियों को ये पहले शॉर्टलिस्ट करके बाहर कर देते हैं। उसके बाद 300, 350, 400 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार करी जाती है, और इसीलिए अगर मैं बात करूँ जो खिलाड़ियों की जो लिस्ट रहने वाली है वो 300 से लेकर लगभग 350 खिलाड़ी इस बार जो मिनी ऑक्शन होने वाला है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं पर्स वैल्यू की। हाँ गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से समझिए ये स्टार क्वेश्चन है कि सभी टीमों के पास कितनी पर्स वैल्यू रहेगी। सो गाइस मैं आपको एक तरीके से पूरी तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। सो गाइस अगर मैं बात करूँ सभी टीमों के पास अभी जो खिलाड़ी हैं उनके पीछे ये 85 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं, यानी इनके पास जितने भी अभी खिलाड़ी हैं फिलहाल में सबके पीछे टोटल मिला के सभी खिलाड़ियों को अगर आप ऐड करेंगे तो 85 करोड़ रुपए है, यानी अब जिन खिलाड़ियों को ये छोड़ेंगे उन खिलाड़ियों का पैसा इनके में माइनस होता हुआ चला जाएगा, यानी कि अभी जो जितने खिलाड़ियों को कोई भी टीम छोड़ेगी उतने पैसे ऐड होते हुए चले जाएंगे। और गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जितने खिलाड़ियों को अगर मिनी ऑक्शन होने वाला है तो जितने खिलाड़ी को ये छोड़ सकते हैं उतने पैसे इनके में जुड़ते हुए चले जाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ऐसी अभी तक रूमर्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन से टीम के पास कितनी अभी पर्स वैल्यू है। लेकिन फिलहाल में अगर आप चाहेंगे कि आखिर कितने कितने पैसे रहने वाले हैं सभी टीमों पे, अगर आप अभी कमेंट कर देंगे तो मैं आगे आने वाले वीडियो में बता भी सकता हूँ कि आखिर सभी टीमों के पास कितनी पर्स वैल्यू रहने वाली है, कौन से टीमों के पास कितनी पर्स वैल्यू रहने वाली है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि एक और वीडियो बन जाए कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी छूटने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी रिलीज होने वाले हैं, तब भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है कि अगली वीडियो वो भी आके बन सकती है। गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, और गाइस ये जो टॉपिक है वो निकल के आ रहा है 5 फॉरेन प्लेयर रूल के हिसाब से। हाँ गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जब इस बार जब ऑप्शन होने वाला है तो वहाँ पे 5 फॉरेन प्लेयर रूल का जो रूल होने वाला है वो अप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में अगर हम जीसी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जो 24 दिसंबर को हुई थी वहाँ पे इस फैसले के बारे में कोई बात ही नहीं किया था, लेकिन अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि नीलामी से पहले तक ये मालूम चल जाए। लेकिन गाइस आप ये 100% कंफर्म हो जाइए कि इस बार जो होने वाला है आईपीएल वहाँ पे 5 फॉरेन प्लेयर का रूल अप्लाई नहीं होने वाला है, ये पूरी तरीके से आप गांठ बांध दीजिए। जहाँ भी ये न्यूज़ देखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है 5 फॉरेन प्लेयर का रूल अप्लाई हो सकता है, समझ जाइए वो सिर्फ फेक न्यूज़ है। और इसी वजह से मैं बात करूँ तो इस बार आईपीएल 2021 जो होने वाला है वहाँ पे किसी भी हाल में 5
फॉरेन प्लेयर का रूल अप्लाई नहीं होने वाला है। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं वेन्यू की। हाँ गाइस एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस बार जो मिनी ऑप्शन होने वाला है उसका वेन्यू क्या रहने वाला है। तो इसे बीसीसीआई ने अभी से डिफाइन कर दिया है कि जो वेन्यू रहने वाला है जहाँ पे नीलामी होने वाला है वो अहमदाबाद में होता हुआ नजर आने वाला है। और गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर टेलीकास्ट कहाँ कहाँ होने वाला है, यानी कौन कौन से टीवी पे हम देख सकते हैं। सो गाइस इसका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सीधा सीधा स्टार के पास, स्टार वालों के पास है। तो इसीलिए जितने भी सब चीज़ होने वाले हैं, जितने भी नीलामी या फिर आईपीएल से जितने भी चीज़ रहने वाली है वो सब के सब हमें स्टार चैनल पे दिखाए जाएंगे, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स पे। और साथ में अगर आप मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइस अभी तक की ये सभी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो कि आपके मन में फिलहाल घूम रही थी। और ज़्यादा कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके ही कमेंट से पिक होता है क्वेश्चन, उसके बाद बनती है वीडियो, और आप जानते हैं कि आखिर वीडियो कैसी बन के तैयार होती है। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि ये वीडियो कैसी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।